यही तो है ना बेस्ट चीज, ये देखो गुफा जैसे बना है ये। हमने जो रेस्टोरेंट के लिए बोल दिया है वो तो कल खुला ही नहीं है दिन में। ये शाम के 7 बजे खुलता है। हमने बोल दिया पापा शिल्पा शेट्टी वाले रेस्टोरेंट चलेंगे, वो सबसे यही खुशी में बता रहे कोई हैं, बात नहीं ना, शाम में चलेंगे, क्या प्रॉब्लम क्या तो है। दिन में भी तो खुलता होगा। अस्सलाम वालेकुम, शाम की सभा के जाम में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, आप सबकी दुआओं की वजह से हम सब एकदम ठीक है। मैं थोड़ी टेंशन में हूँ, आपको पता है कल बोल दिया था पापा को कि हमें जाना है शिल्पा शेट्टी वाले रेस्टोरेंट, लेकिन वो अभी वहाँ पे कॉल किया, पता चला कि वो सुबह नहीं खुल रहा है आज के दिन। अम्मा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। अरे टेंशन की बात ये है कि जो शिल्पा शेट्टी वाले रेस्टोरेंट के लिए बोल दिया था हाँ। वो शाम को 7 बजे खुलता है आज के दिन, तो शाम को मतलब नहीं, अब कहीं और चलते हैं। देखो ये वाला पहने की ये वाला रिजा, ए रिजा उठो, शिल्पा शेट्टी नहीं बुला रही हाँ। नहीं बुला रही क्यों? रुमाली रोटी नहीं है बेटा। हाँ मैं ये पहन लो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। रेहान के कपड़े तो निकल गए तुम्हारे? मेरा ही है। फ्रेंड्स हम लोग हो चुके हैं रेडी, अब जल्दी से चलते हैं। साथ को खाना ऑर्डर कर दो। अभी तक घर फ्रेंड्स पूरा क्लीन हो गया था, लेकिन बैल्कनी में पेंट कराना भूल गए थे। अब जब बैल्कनी में पेंट हो रहा है तो फिर सब अंदर सारा सामान यहाँ पे सारी चीजें हो रही है। लेकिन इंशाल्लाह आज सारा हम ये सब कुछ खत्म करवा के कल आपको बिल्कुल बेहतरीन वाला घर दिखाएंगे इंशाल्लाह। फ्रेंड्स फिर फाइनली हमने डिसाइड किया है कि हम पापा को और पूरी फैमिली को ताज लेके चलते कि मेन हमारा ये था कि अगर हम पापा को लेके जा रहे हैं तो ऐसी जगह लेके जाएं जहाँ प्रॉपर लंच होना चाहिए। बहुत कम ऐसी जगह, बाकी पापा ये सारे JW सहारा तो बहुत बार जा ही चुके हैं, ये उनके लिए न्यू रहेगा। हो गए सब लोग रेडी? हाँ। अब ये तो वो यहाँ जो नारकली पहनी है अच्छी लग रही है। बेटी हम भी ईद में बनवाएंगे, तुम पहन सकते, ईद में पहन सकते इस बात का। चलो एक बार बेटी हम ईद में अनारकली पहनेंगे। ओ फॉर्म में बैग भी, ये तो अम्मी का नया लुक हो गया। पापा के लिए बिस्किट। तो चश्मा लगाए दो, कागज है मोर। अम्मा क्या है इसमें, दिखाओ पहले। नहीं कुछ नहीं है बेटा, ये थी पन्नी है बस। दिखाओ दिखाओ, ये रुमाल ही बस। इसमें रख लो बस, यही लिए रहो, यही लिए रहो। ये क्या करूँ, यहाँ पे सारे लोग आ गए हैं अभी, लेकिन गाड़ियाँ तो अभी लगी नहीं है, तुम लोग आ गई पहले से। हाँ बैठ जाओ अभी। आज हम एकदम न्यू लुक में है, बैग बैग लेके सब कुछ। तो अम्मी इस कार में जा रही है, इसमें पापा बैठे हैं तो ये खाली भी रहेगी, उसमें सब लोग भर भर के बैठ जाते हैं, इसलिए आदेश में आदेश है। घड़ी भी भैया तुम्हें तो बोलती हूँ कि अम्मी रखी रहती है, बांधती हाँ, पहनना चाहिए। यहाँ क्यों घड़ी हो? अभी थोड़ी देर से चलेंगे तो बैठ जाएंगे ना। कार में लोग को जेल लगती है क्या करें, बस यही मजबूरी है। आपने सालों भी वो मैसेज कर झूठ बोला था। क्या बोला? ताज होटल में ताज है। ताज होटल हाँ, ताज तो चल रहे हैं, ताज चल रहा है हाँ। अच्छा लग रहा है, अभी तो वहाँ जाके बोल रहे हैं जाते हैं, बोल रहे थे आपका किस्मत हो गया। बात क्या लगे ताज, आज सब लोग आपके लिए जा रहे हैं ताज भाई, आपको जाना था आपके लिए। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं। चलो देव भाई, हम लोग घर से निकल गए थे, हम लोग का आधा सफर तय भी हो चुका है, बस थोड़ा सा बचा है। बेटी खाना ठीक हो? और सली ड्राइव कर रहे, इसलिए मुझे भी आके बैठने को मिल गया है। तुम्हारे चक्कर में तो ड्राइव कर रहा हूँ। आँखों में तेरी अजब सी ताज, वाह ताज नहीं, बहुत ताज, बहुत ताज, चाय पत्ती वाला होता है ये, बहुत ताज है। और ये देखिए गेटवे ऑफ इंडिया पहुंच गए फ्रेंड्स हम लोग ताज, ये ताज की बिल्डिंग, हमें यहाँ से एंटर करना है। भीड़ कितनी हो रही है फ्रेंड्स, चलेंगे इधर आके, अभी अंदर चलो। टेबल अरेंज करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, जब तक पापा लोग भी आ जाते हैं फिर बैठेंगे अंदर। ये कितना खूबसूरत है देखो, आधा तेरा इश्क आधा मेरा, ऐसे हो पूरा चंद्रमा, ओ तारा तेरा। रास्ते पर पूछा कुछ खा लो, कहते नहीं मैं ताज होटल जा रहा हूँ वहीं खाऊंगा। अरे बहुत ज्यादा, देखो अभी तो वहाँ का चेंज भी हो गया, क्रिसमस के टाइम पे आए थे ना। ओ फंकी, जहाँ घूमना है देख लो, हाँ फोटो ले ले। लोग ताज में एक्साइटमेंट में हर जगह हर कोने पे हर फूल पत्ती के सामने फोटो क्लिक कराएंगे। बेटी वाला को फूल के सामने फोटो लेनी है। चलो ऊंची ऊंची दीवारों को लांघ के आना पड़ेगा। अभी हम लोग सब
आके बैठ गए, चलिए जल्दी से खाना ऑर्डर कर देते हैं। क्या चाहिए? मटन, कालिया मटन। कौन सा था? कालिया मटन, कालिया मटन, कालिया दे भाई आपको। सालू टेंशन ले रही थी, पापा को लेट हो गया। ऊपर मिरर लगा है तो अम्मा कह रही ऊपर भी लोग चल रहे हैं उल्टे, लेकिन सच में अम्मा लग रहा है ऐसा, उल्टे लग रहे हैं। रिजा देखिए, देख ये है मटन। लो अम्मी ये भी खा लो। अम्मी तीन कटोरी रायता खा चुकी है। चौथा फ्रेंड्स, इनका रायता भी बहुत अच्छा है। फ्रेंड्स इन लोग को रायता अच्छा लग गया। अल्हम्दुलिल्लाह सब खाना बहुत अच्छा है। पापा आपको अच्छा लगा यहाँ का खाना? फ्रेंड्स इनका कुछ मीठा अचार ये भी बहुत अच्छा और यूनिक था। अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। दो कटोरी, दो कटोरी अचार और चार कटोरी रायता। कह रही है मौधा की जो मीठी खटाई होती है वैसा है। कह रही है तुम मेरे कहने से चख नहीं सकती हो। ये मतलब इमोशनल वाली अम्मा है। यही चखना जब भी आ रहा है यहाँ पे, अचार भी देंगे तो हमारे लिए बात के लिए आपको ही लेके आ जाएंगे हम हमेशा। बढ़िया खाया, मजा आया, पेट भरा। बैठे अभी कुछ और इंतजार में। खिलाया सब, दिल भर के खिलाया, दिल खुश हो गया। क्या सबसे पापा के उबले अंडे आ गए? अंडा खाई गए? ये उबला अंडा है, हाथी का अंडा, इतना बड़ा हाथी का अंडा। ऐसे भी ना बना के ऐसे लग रहा है ना, अंडा बतख का अंडा, बतख का। आपने देखा बतख का? हाँ हाँ दादा, आइसक्रीम कुछ खाया नहीं आपने? यार इतना खाया हूँ कि देख लो इसलिए पैसे। हाँ समीर भाई, पेट भर गया? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मजा। क्या हो गया? रिजा ने रख लिया। रिजा ने वो भी रख लिया? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये तो चल जाएगा। नहीं नहीं एक चल जाएगा, ये सबसे ज्यादा इन दोनों बहनों ने खाया है। माल माल बोटी 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 नहीं खाया। हाँ नहीं नहीं खाओ खाओ, हो चुका है सबका खाना पीना अल्हम्दुलिल्लाह। अब चलते हैं। बहुत ज्यादा खा लिया, मैं तो सोच रहा था मतलब मैं बस खाली बटर चिकन खाऊंगा और भी भूख लगी कि मैं तो ऑर्डर करूंगा, लेकिन बटर चिकन मैंने इतना खा लिया कि बहुत टेस्टी था। और सालो यहाँ का गुलाब जामुन मतलब अंदर कुछ पड़ा भी नहीं है। चलो निकलते हैं फ्रेंड्स यहाँ से, रिजा को कुछ केक खरीदना है वो दिला दे, फिर चलते हैं। हमारा एक्सपीरियंस काफी बुरा था लेकिन इस बार हमारा बहुत अच्छा है। यहाँ पे कुछ ये केक वेक फेक पता नहीं क्या क्या लेना है। अंदर स्वीट्स नहीं खाई? अजीब अजीब गजब गजब केक बिस्किट वगैरह रखे हैं। कौन कौन से गाजर वाजर लगी? न्यूयॉर्क चीज केक। फ्रेंड आजकल के बच्चे खाते हैं केक, पास्ता, पिज्जा। पहले हम लोग खाते दलिया, पराठे, पराठों को वो घी डाल के उसको क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ बोलते हैं मलीदा। बोलता आ रहा हूँ कि आजकल के बच्चे खाते हैं पिज्जा, केक, बिस्किट, हम खाते थे दलिया। अब से हम लोग भी छोड़ रहे धीरे धीरे। छोड़ो कब छोड़ोगे बताओ? तुम लोग किसी का लेके लग तो नहीं रहा है? अच्छा इन लोगों को गेट वे ऑफ इंडिया के नजारा भी दिखा देते हैं, तो थोड़ा यहाँ चलते हैं। आओ जल्दी जाना चाहिए है ना? तुम्हें नहीं लगता ना पानी में डर? नहीं बहुत अच्छा लग रहा है। नाव में नाव नहीं गिर जाएगा, तेरा फोन चला जाएगा पानी में। तुम तो बैठोगे नहीं बोट में, बैठ जाओ। अम्मी आपको कैसा लगा? अच्छा लगा बेटा, खाना दिल भर के खाया और पेट भरा और खूब दुआ करी। अम्मा यही है ताज होटल, अब कोई पूछेगा ताज होटल देखा तो कहना मैं वही खाना खा के आई हूँ। इसी के अंदर थे हम लोग अभी। अम्मी आपके कबूतर, वही तो मैं कह रही हूँ। कितने सारे कबूतर हैं, उड़ गए। हाँ इधर चने नहीं मिल रहे फ्रेंड्स, पेड़ में भी इतने सारे कबूतर। ये घूमने के लिए घूम सकते हैं इसमें? हाँ। बग्गी में बैठना है घूमने के लिए? चल जाना है। ऐसे ही घर चलो बोल रही है, एकदम रॉयल वाला फील आ रहा है। रॉयल ताज के सामने रॉयल राइड हमारी। घोड़ा नहीं है बस, घोड़ा नहीं है बग्गी। बहुत मजा आ रहा है, लोड नहीं ले पा रही बग्गी। अरे मैं आवाज भी नहीं कर रहा। बच्चे बहुत चले मोदा है अम्मी का। अम्मी चलो भाई उतरो, मजा आया मजा आया। कोई ऐसी पर्सनलिटी खरीदनी चाहिए। तो फ्रेंड्स हम लोग घर आ चुके थे, काफी लंबा सफर हो गया, आज बहुत ज्यादा ट्रैफिक मिला पता नहीं क्यों। और अभी अनबॉक्सिंग के काम करना है तो बस मैं ये खोल के बैठी हूँ।
सो एलिगेंट लाइक वाओ। हमें अपने नमाज कॉर्नर रेडी करना था, एकदम सही टाइम पे सारी चीजें आई। फ्रेंड्स जैसे हम लोग घर आए तो अम्मी को याद आया कि अम्मी की जो एक फ्रेंड है उनका नया घर बना है, तो वहाँ की आज हाउस वार्मिंग पार्टी है और वहाँ पे जाना था। आते साथ मैंने फिर से जल्दी से चेंज किया, अम्मी को वहाँ से मिला के लाते हैं। कोई दिल से बुलाता है तो फिर जाना चाहिए। फ्रेंड्स हम लोग इतनी जल्दी जल्दी में आए, रात हो गई, सारी शॉप बंद होने वाली है, इसलिए फ्लावर्स नहीं लिए। फ्लावर्स तो बहुत सारे आए होंगे, बस ये सब जल्दी से ऊपर चलते हैं और मिल के आते हैं उनसे। बेटी खाला भी आ गई है, सबको अकेले अकेले आने में शर्म आ रही थी, हमने कहा सब एक दूसरे के साथ चलो। पता है फ्रेंड्स हम लोग कौन से फ्लोर पे जा रहे हैं? 24th फ्लोर। वाओ, अच्छा है घर, बहुत अच्छा लगा। बताएं वो आगे भी नीचे, क्योंकि जहाँ पे खाना चल रहा है आंटी लोग नीचे ही है। घर देख लिया माशाल्लाह, बहुत अच्छा है। अब चलते हैं नीचे, है ना? ऊपर देख लिया चलो अम्मी, चल चाय पी, मैं भी अकेला अब जा रही हूँ। अल्लाह हाफिज़। जल्दी से आ गई अम्मी ने कहा चाय पी लो, मैंने कुछ नहीं पियोगी सनी। बहुत देर से बैठ गया, मेरा सर बहुत दर्द हो रहा है आज। हाँ हाँ मुझसे बात कर लेना, ठीक है, चलिए ओके ओके, अल्लाह हाफिज। तुम्हारे रील वाले हैं, फोन करना कह रहे हैं भाई बात कर लो, अभी कर लो, आपस में बात कर लो। बेचारे को मेहनत कर, अरे कोई बात नहीं, इंसान जिंदगी में मेहनत करने के लिए दुनिया में आता है ना। और फ्रेंड्स ये वो जो भी कॉल वॉल वाला काम है वो हम सनी को पकड़ा देते। आज का दिन फ्रेंड्स एंड होता है, अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन अच्छा था। पापा मतलब मुझे लगता है मेरे साथ पहली बार निकले होंगे जब मतलब भाई यहाँ पे नहीं है। मुझे बहुत ज्यादा टेंशन थी कि उनके साथ सब कुछ अच्छे से मैनेज हो जाए और सारी फैमिली खुश थी, तो मुझे भी बहुत ज्यादा अच्छा लगा। अभी हम सोते हैं, इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं सुबह, क्योंकि कल एक बहुत इम्पोर्टेंट काम से जाना है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जैसे कि मैंने आपको रात में बताया था मुझे एक इम्पोर्टेंट जगह जाना है, मतलब मेरा आज पॉडकास्ट इंटरव्यू है, तो मुझे डर तो लगता है लेकिन डर को दूर करना ही पड़ेगा लाइफ में, क्योंकि ऐसे तो आप फिर आगे और ग्रो कर ही नहीं सकते। विनीत के पॉडकास्ट में जा रहे हैं, आप जानते हो। अस्सलाम वालेकुम। कैसी लग रही हो? अच्छी लग रही है, पहले बोल अच्छी लग रही है। अभी इसको मुझे यहाँ पे ऐसे पिन करना है, वो पुराने पुराने कपड़े रखे हुए हैं तो मैंने कहा पहन लेती हूँ, बहन ही काम आती है जरूरत पे। ये तो अम्मी भी नहीं लगा पाएगी, ना सनी ना कोई, रेजा ये सब काम कर लेती है। ये कहाँ से आया? फिर आके खोल दियो, ठीक। रेहान को देख के लग रहा है इसका इंटरव्यू है, हम साथ में जा रहे हैं। वो जो कपड़े वाले नहीं होते डिजाइनर, वो पीछे से जैसे लड़कियां जाती है तो उनका स्कर्ट पकड़ते हैं, रेहान का ऐसे कोट पकड़ते हैं। चलिए सर, और पीछे से इनको पहनने वाले लग रहे हैं। इंशाल्लाह अल्लाह कभी ऐसा दिन आएगा कि इनको भी। चलो अम्मा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आप चल नहीं रहे? तुम अपने काम करो, मैं बहुत सारे काम यहाँ पेंडिंग है, मैं वो खत्म करता हूं। हम लोग निकलते हैं। कैसे हो? बहुत अच्छा लग रहा है, सब थैंक यू। हेलो, कैसे हो रेहान? यार ये तो लंबा होता जा रहा है यार। भाई मुझसे लंबा मत हो ना। इतना बता रहे थे मुझे बहुत खुशी हो रही है। शाने से मुझे बोला था वो भी आ रही है, तो परफेक्ट टाइम पे जा रहा हूँ। मेरी तरफ से उनको हाय बोलना, मुझे बहुत ज्यादा खुशी है आपसे फोटो मिलकर, क्योंकि आप सबको मतलब इतना देख देख के इंस्पिरेशन है। थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे आगे फ्रेंड्स हम मेकअप रूम में, लेकिन मैं ज्यादा मतलब मेकअप तो मैं खुद ही कराई थी, ज्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ यहाँ पे लग रहा है माइक, ज्यादा मूवमेंट नहीं करूँगी, एकदम स्ट्रेट बैठ के बात करूंगी, ठीक है? अभी आ रहे हैं। So welcoming the ever smiling, जो हमारी आज की गेस्ट हैं, thank you so much सबा for coming here, इतना अच्छा लगा ना। चल अगली बार हम दोनों मिलेंगे। अकेले में बात करोगे? चल बाय, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, एकदम हिट होना चाहिए, होगा होगा होगा। चलो बाय बाय, बहुत अच्छा लगा मिलके। कैमरा कैमरा, चलो फ्रेंड। अभी हो रहा है 6:22 और यहाँ बहुत सारा फैलावा पड़ा था, तो हमने सोचा कि सभा तो अभी आई नहीं है, वो अभी काम पे बिचारी गई है सुबह से, आज उसने भी कुछ खाया पिया नहीं, सुबह से काम पे लगी है, तो यहाँ से क्लियर करते हैं ताकि उसको आके अरेंज करने में चीज आसानी हो जाएगी। स्टैंड स्टैंड निकाल लिया, ये इसको पोंछ लिया, ये भी धो के इनको मैंने पहले धोया और उसके बाद इसमें ड्रायर से सुखा दिया इनको, थोड़े थोड़े इनको सुखा दिए, क्योंकि ज्यादा गर्म करता तो पिघल जाते हैं। आज बन रही है हमें तायरी, तो ये आ गया मटर और टमाटर, इसको बाद में देखा जाए। पता नहीं यार बहुत गंदा गंदा हो गया असल में। तो अभी कुछ हॉल की हालत ऐसी हो रखी है, ऐसी देखिए आप, ये देखिए साफ कर रहे, अच्छा इसको धुल लेते हैं हम यहाँ पे।
अम्मी अस्सलाम वालेकुम, कितना शाम हो गई फ्रेंड्स, 7:15 बज गया, 12 बजे के निकले 12:15 के। अभी भिंडी बन रही है, दिन में क्या बना था, बहुत तेज भूख लग रही है। चन्नी को फोन किया था, दिन में आए नहीं हो, तो कहते काम था बहुत ज्यादा। भिंडी अरे भूख लग रही है अभी नहीं, दाल पालक कौन खाएगा सुबह से आके, अभी कुछ काम है फिर काम के बाद आते हैं। अभी नहीं, बाय। मुझे तो लगा सनी मेरा वेट कर रहे होंगे। सनी किधर हो, पता नहीं कहाँ गए। मैं आया था नीचे की सभा नीचे होगी, वो चलिए ऊपर ही सनी ऊपर बैठा है, अब मैं फिर से ऊपर जा रहा हूँ। नीचे गया था, कितने खराब हो। मैं तो देख नीचे गया कि तुम नीचे होगी, जैसे मैं नीचे पहुंचा मैंने कहा दिन भर की थका के जाऊँ, जाके देखूँ क्या करके आई है। नीचे की अम्मी करी उतर गई ऊपर, आपके पास तो आ गई थी। मैं हमारे पास नीचे गया था, आ गई। कितना टाइम लग गया, कोई बात नहीं, तुम बहुत क्या करे, तुम काम ही तो करके आई हो, बैठ जाओ। फ्रेंड्स आ चुकी हूँ, भूख बहुत तेज लग रही है, मेरा गंदा हो गया, इसमें पानी कैसे आया। आपने क्या किया दिन भर, कुछ खाया पिया? नहीं खाया पिया, तरबूज खाया था, दही खाया था और अंगूर खाया था। तुम चली गई थी, कुछ अच्छा ही लग रहा था खाना खाने का। तो पता है आज हम वहाँ उनसे मिले मुंबई करने के से। क्या बात कर रही है, उनके साथ मैंने फोटो भी ली, मैंने बोला सर आप इंस्पिरेशन है, उन्होंने बोला कि उनकी वाइफ है ना हमें जानती है। वो जान भाई तुम भी बड़ी यूट्यूबर, वो तो बहुत बड़ी यूट्यूबर है मेरे को। आप नहीं गए, आपसे रिलेटेड इतने सारे क्वेश्चन पूछे। विनीत बोलता है सनी क्यों नहीं आया, उसके भी क्वेश्चन थे। सही है, मैंने अकेले किया। मैंने खूब झूठ झूठ बोल दिया। उसने पूछा था ना कौन ऐसा करता है, कौन ज्यादा क्या करता है, सब मैं आपका नाम लगाए, हर चीज मेरा नाम लगा दिया। अच्छा ये हुआ कि मैं वहाँ गया नहीं, पर मुझसे भी तुम सवाल करवाती वहाँ तो करते भैया, मुझे नहीं जाना है सब कैमरे वैमरे के सामने। घर आई तो मैं देख रही हूँ काफी हद तक इन लोगों ने सफाई कर ली, आपने क्यों किया, क्या हो जाती। अरे कोई बात नहीं, तुम भी तो थक क्या होगी, ये अभी यही रखवा दिया, रस्सी से भी चमका दिया, ये देखो ये सामने सफाई चालू होगी। मैंने क्या कहा था पहले एक बार सब कुछ सेट हो जाए, सफाई चालू हो जाएगी फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। और मुझे पिछले वीडियो में सनी और अम्मी ने तो सुनाया था, लेकिन आप लोगों ने भी काफी ज्यादा सुनाया है, इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया है जब तक घर नहीं ठीक हो जाएगा और मेरा दिमाग नहीं ठीक हो जाएगा मैं रिंग्स पहनूंगी नहीं, सब मैंने संभाल के रखी। अरे तो यार अब तुमने अब रिंग तुमसे घूम गई, लेकिन सनी मैंने उसको रखा था संभाल के ही वहाँ पे, रखा था संभाल के, मेमोरी का इशू है। आज मैंने वहाँ पे भी बोला कि मैं भूल जाती हूँ चीजों को, रखा था मैंने वहाँ पे, लेकिन मुझे ये याद नहीं था कि मैंने रखा कहाँ पे है। कभी कभी डांटने को मिला इसलिए मैं तुमको डांट दिया बहुत ज्यादा। हाँ लेकिन अब मैं रिंग नहीं पहन, लेकिन कोई बात नहीं, सॉरी। तुम रिंग पहनोगी यार, क्या होता है, ठीक है तुम्हारे अच्छा के लिए लोग तुम्हें डांट देंगे, तुम थोड़ा सा समझदार हो जाओ। घर नहीं ठीक होगा मैं भी नहीं पहनूंगी। हाँ। फिर बाद में पहनूंगी। वीडियो को भी हम यहीं पे एंड कर देते हैं, और थकान भी बहुत ज्यादा हो गई, आगे के काम भी करने हैं, कल भी हमें कहीं जाना है, मतलब अभी लास्ट के रमजान के पहले के डेज बहुत ज्यादा बिजी होते हैं, कोलैबोरेशन ये सारी चीजें बहुत सारी होती है। अल्लाह सबको ऐसे काम दे, बरकत दे, खुश रहे सब अपनी जिंदगी में, बस यही चाहते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ऐसे ही बहुत सारा प्यार करिएगा, और जहाँ सब गलती करेगा उसको डांटिएगा, लेकिन वो सब है तो आप सबकी प्यारी है ना। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।